कोरिया के खड़गवा क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने छोटी सी बात को लेकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटा मोबाइल टूटने के बाद नया फोन खरीदने के लिए पिता से पैसे मांग रहा था, लेकिन पिता ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और आक्रोशित पुत्र ने अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और शराब पीने के चलते पिता की मौत की झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। जब पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में आरोपी ने गुनाह भी कबूल किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कल दिनांक को मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति थाने में आया और रिपोर्ट कराया कि मेरे पिता रात को शराब पिए हुए थे शादी में और उसके बाद सो के नहीं उठ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। उस पर हमने मर्ग कायम किया और पंचनामा करने को कार रवाना किया था। जब वह जांच करने गए तो मृतक के शव को जब निरीक्षण कर रहे थे तब देखे कि दोनों कनपट्टी में और सिर में उसकी चोट के निशान हैं और उसका कनपट्टी एक तरफ से पूरा सूजा हुआ था। तब उनकी पत्नी जो मृतक था अधीन सिंह, उसकी पत्नी फूल कुंवर से पूछताछ की गई तो बताई कि मेरा बेटा कल रात को मोबाइल टूटने के विवाद पे मेरे पति को मोसर और खटिया के पावर से मारकर हत्या कर दिया है। 302-201 का अपराध कायम किया गया है और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।